हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों, मैं हूं राज कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब के चैनल टेक फॉर इंडिया। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं गूगल के माई एक्टिविटी ऑप्शन के बारे में, जो कि आपको मिलने वाला है गूगल के गूगल माई अकाउंट में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी YouTube, WhatsApp, Facebook या एवं हो गया आपका Google पे कोई भी चीज सर्च करना या Wikipedia, यानी कि कोई भी चीज आपको जानना रहता तो सिर्फ आप Google पे जाते हैं डायरेक्टली। कोई भी चीज कहीं से ना मिले, पहले तो आप YouTube में सर्च मारते हैं कोई वीडियो है अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं मिला तो फिर आपको जाके सिर्फ गूगल पे सर्च मारते हैं ताकि कुछ आर्टिकल आपको मिल जाए उसके रिलेटेड। तो ये चीज होता है, तो ये सिर्फ चीज आप जानते हैं कि ये आपका सिक्योर है कि नहीं, या फिर किस तरह के आपका डेटा को मतलब स्टोर करके कहाँ रखा जा रहा, या फिर आप क्या क्या ब्राउजिंग कर रहे हैं, ये सारे डेटा कहाँ पर है, आपका पूरा हिस्ट्री कहाँ पर रखा जाता है। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है बहुत ही। तो ये सारा चीज जो कि गूगल जो कि आपका पूरे डेटा को जो कि स्टोर करके गूगल रख, तो दोस्तों ये सारे एक्टिविटी को जो कि गूगल अपने आपके अकाउंट में पूरा जो कि स्टोर करके रख रहा है, तो वो कहाँ पे रखता है उस चीजों के बारे में बता रहे। और एक चीज बता दूं, जैसे कि आप कहीं भी घूम रहे हैं या जब से आपने अपना ईमेल आईडी साइन इन किया है तब से आप कहीं भी अगर ट्रेवल कर रहे हैं या फिर कहीं भी जा रहे हैं, तो आपका जो है कि लोकेशन गूगल के सामने अवेलेबल है, यानी कि आपके हर एक लोकेशन को गूगल स्टोर करके रखता है, कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं, यहाँ तक कि आप कौन कौन से हैंडसेट में यूज कर चुके हैं इस जीमेल आईडी को, तो वह भी आपको स्टोर करके रखता है। तो ये सारा चीज जो कि गूगल आपका पूरा डेटा को स्टोर करके रख रहा है, ये चीज आप शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए इस वीडियो को मैं आगे ले जाता हूँ अपने पीसी पे और आपको दिखाता हूँ ये सारा डेटा को गूगल जो है कहाँ पे स्टोर करके रखता है और इस चीज को आप किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं अपने हैंड में। तो ये सारा चीज आपको मैं बताऊंगा अपने पीसी में और किस तरह से इसको आप डिलीट कर सकते हैं डेटा को, ताकि आपके डेटा को कोई ना देख सके। और एक चीज, जैसे गूगल कोई भी चीज देखता है तो आप कौन सा एड देखना चाह रहे हैं, क्या देख रहे हैं क्या नहीं, हर एक मोमेंट का गूगल के सामने आपका रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो ये सारी चीजों को जो कि आप अपने हैंड पे कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आपके डेटा को कहीं भी ट्रांसफर ना कर सके। इन चीजों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली माय एक्टिविटी ऑप्शन है गूगल अकाउंट में, तो उस ऑप्शन में जाके आप उन सारे हिस्ट्री को जो कि क्लियर कर सकते हैं, और वहां क्लियर करने के बाद आपका डेटा जो कि किसी को दिखाई नहीं देगा, यहाँ तक कि गूगल के सामने भी नहीं रहेगा। तो चलिए अपने पीसी में ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि ये एक्टिविटीज कहाँ पे ऑप्शन है और क्या क्या करना पड़ेगा आपको इन एक्टिविटीज और हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लॉग इन किया, जैसे कि वेबसाइट इस myaccount.google.com को जैसे मैंने यहाँ पे डायल किया तो मेरा ये जो कि पेज ओपन हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो कि आपका जो जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो उसका सारा जो कि इन्फॉर्मेटिव यहाँ पे आ जाता है। तो जैसे कि मैंने अपना जो कि पेज यहाँ पे मतलब जीमेल अकाउंट जो कि मेरा जो चैनल का है टेक फॉर इंडिया, उसी को ओपन करके रखता हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ प्रोटेक्शन एंड सिक्योर योर अकाउंट ऑल इन वन प्लेस, एक ही जगह पे आप अपने अकाउंट को जो मतलब प्रोटेक्ट और सिक्योर करके रख सकते हैं। तो पहला जो यहाँ पर साइन इन एंड सिक्योरिटी पर्सनल इन्फो एंड प्राइवेसी अकाउंट प्रेफरेंस दिया हुआ है, और सिक्योरिटी चेकअप और प्रिवेंसी चेकअप। देन यहाँ पर आप देख रहे हैं गेट स्टार्टेड फाइंड योर फोन, तो वो चीज़ को नहीं, हम इन सारी चीज़ों को नहीं हम यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं माय एक्टिविटी, यानी कि माय एक्टिविटी इस जो कि इसी को आज हम लोग पूरा चीज़ का डिस्कस करेंगे, इसमें क्या है और क्या किस तरह से काम करता है और किस तरह से आपके डेटा को जो कि स्टोर करके रखता है, तो इस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो कि यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम लोग के सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बंडल व्यू है, आइटम व्यू है, डिलीट एक्टिविटी बाय, मतलब मेरे द्वारा क्या एक्टिविटी डिलीट कर दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन का मैं आपको अच्छा से बता दूँ, एक्टिविटी कंट्रोल, क्या क्या एक्टिविटी कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर अकाउंट है। ओके, ये सारा चीज़ यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ आइटम बंडल व्यू में देख लेते हैं क्या क्या आपको यहाँ पे दिखाई देता है। बंडल व्यू में पेज में कुछ बंडल टाइप आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। डिलीट एक्टिविटीज में देखते हैं यहाँ क्या क्या आ रहा। तो ये सारा डिलीट टॉपिक
क्या क्या रिलेट किया गया, ये टॉपिक, ये सब ट्राई ट्राई इट, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। प्रोडक्ट वगैरह है क्या, एंड्रॉयड है, असिस्टेंट बुक वगैरह, ये सारा चीज़ है यहाँ पर। डिलीट करने का क्या, किस तरह से डिलीट कर सकते हैं, टुडे का, आज का डिलीट करना है, कब का, मतलब जब जितना तारीख तक आप डिलीट करना चाहते हैं, ऑल प्रोडक्ट को, एंड्रॉयड वाला को डिलीट करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड को सारा बिफोर, मतलब बिफोर 20, मतलब 20 जुलाई से पहले का जितना है आपका, मतलब स्टोरी है, जितना ब्राउजिंग किए हैं, वो सारी चीज़ को आप डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे कि टुडे यहाँ पर हमें सिलेक्ट करता है, यहाँ पे टुडे आए, सब टुडे सेलेक्ट किया, देन आफ्टर इतना एंड बिफोर इतना, डेट जितना जितना बीच में आपको डिलीट करना है सिलेक्ट कर लीजिए। देन प्रोडक्ट क्या डिलीट करना है आपको, तो यहाँ पर एड्स है, एंड्रॉयड है, असिस्टेंट है, बुक है, देन यहाँ पर आपको क्रोम है, डेवलपमेंट है, जीमेल है, गूगल एनालिसिस है, जेन, गूगल प्ले, सारा चीज़ आपको यहाँ पर, इमेज सर्च है, मैप है, न्यूज है, प्ले म्यूजिक है, शॉपिंग है, वीडियो सर्च, वॉइस एंड वीडियो, यूट्यूब, ये सारा चीज़ आपको, मतलब कोई भी चीज़ सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर डिलीट करना है तो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, ये रहा ये ऑप्शन का काम। चलिए अदर गूगल एक्टिविटीज़, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर गो अदर गूगल एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है कि मेरा विजिट टाइमलाइन, यानी कि लोकेशन हिस्ट्री यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आपका जो कि डिवाइस का इंफॉर्मेशन है, देन यहाँ पर आपका गूगल प्ले साउंड सर्च, मतलब जो कि म्यूजिक वगैरह जो होता है गूगल प्ले का, तो वहाँ पर है, और यहाँ पर आपका यूट्यूब का है, तो ये सारा चीज़ आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। डाउनलोड योर डाटा, तो यहाँ से आपको, मैं आपका जितना भी डाटा है, आप अपने डाटा को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जितने भी आपका, मतलब कि आप जितने भी ब्रोजिंग किए हैं, या फिर हिस्ट्री जितना भी आप पे बोले, तो वो सारा को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ रहा, यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर सारा एक्टिविटीज़ है, उन सारी चीज़ों को मैं आपको, और यहाँ पर जितने भी चीज़ों को आप सब्सक्राइब किए हैं, आप जैसे कि बहुत से आप देखते हैं कि आपके मोबाइल पे मैसेज वगैरह या फिर कुछ आते हैं, तो सी ऑल डिटेल, डिलीट पॉडकास्ट योर सब्सक्राइबर, यहाँ पर सारे सब्सक्राइबर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या व्यू योर सब्सक्रिप्शन, क्या क्या आपने सब्सक्रिप्शन करके रखा है, तो देख लेते हैं कि मेरे यहाँ पे क्या क्या सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ पर मेरा दिख रहा है 9 सब्सक्रिप्शन, अगर आपका कुछ सब्सक्रिप्शन होगा तो यहाँ पर आपको बताएगा, तो मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बता रहा। देन यहाँ पे जो कि कमेंट ऑन योर ऑन यूट्यूब वीडियो, आपके कमेंट क्या 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 गया आपके वीडियोस में, वो सारे भी आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। देख सकते हैं मेरे जो यूट्यूब के वीडियो हैं उन पे क्या क्या कमेंट किया गया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हिस्ट्री यहाँ पे आपको बता देगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिया है सर्च हिस्ट्री, कमेंट कमेंट है, तो यहाँ पे आप कमेंट वगैरह सारा दे सकते हैं, सारे कमेंट यहाँ पे आपको दिखाई मिलेगा, आप जो जो कमेंट किए हैं वे सारे। चलिए तो इसको हम हटा देते हैं। देन लाइक डिसलाइक, यूट्यूब में क्या क्या किए हैं, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे रिपोर्ट करके रख रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी प्लेसेस हैं, विजिट एंड प्लेस, आंसर क्या क्या आंसर किए हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा जाता है। देन उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या है, विजिट गूगल वॉइस, मतलब गूगल वॉइस का किस तरह से यूज करके क्या क्या सर्च करते हैं, वो सारी चीज़ का भी यहाँ पर रिकॉर्ड रखा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है। एंड यहाँ व्यू एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ का भी सारा चीज़ दिया है, प्रेफरेंस, यहाँ पर ऑर्डर्स ऑर्डर्स वगैरह दिया हुआ है, जितना परचेस, व्यू, रिजर्वेशन किया गया है आपके यहाँ से, कितना जो कि परचेस किए हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे डिटेल दिया है, और डाटा, सारे डाटा को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारा चीज़ हुआ। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ और बहुत सारे फीचर्स क्या क्या है इसमें, मतलब कि क्या क्या यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते कि आपको जैसे कि जानना है, जो चीज़ के बारे में जानना है, जैसे आपको जानना है यहाँ पे इमेज आप क्या क्या सर्च किए हैं, सपोज कोई भी एक टॉपिक को मैं लेता हूँ, तो मैं पहले यहाँ पे देखता हूँ मैंने क्या क्या इमेज सर्च किया है जो कि गूगल पे, तो यहाँ पे सर्च में जाके देख लेते हैं क्या क्या सर्च किए हैं। ओके देन फिल्टर किया, देन सर्च किया, ओके तो देख सकते हैं कि मेरा जो कि इमेजेस क्या क्या है, इसको मैंने सर्च किया था एक, और देखिए इसको भी इमेज को सर्च किया था, देन ये देखिए इसको भी सर्च किया था, देन यहाँ पर देखिए ये टेबल वगैरह कुछ फिगर है, ये सारी चीज़ों को मैंने सर्च किया,
तो ये टोटली जितने भी फिगर्स हैं मैंने सर्च किया, सारा फिगर आ गया। तो इस तरह की ये जो कि फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ से आप फिल्टर करके देख सकते हैं क्या क्या सर्च किया गया है। चलिए, और नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं सपोर्टेड में अपने जीमेल पे, इस तरह से और भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं यहाँ के, आपको यूज कर सकते हैं। चलिए, ये सारे फिल्टर्स यहाँ से फिल्टर्स का यूज करके आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। चलिए, मैंने यहाँ इसको हटा देता हूँ और इसको कैंसिल कर देता हूँ। चलिए, उसके बाद उसका इमेज है, इमेज को हटा देते हैं। चलिए, थोड़ा बैक जाते हैं ताकि मेरा जो कि सारा फिर से आ जाए। चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं सम एक्टिविटीज माई नॉट अपेयर येट। यहाँ पे सारा एक्टिविटीज आपका कितना, मेरा एक्टिव आइटम कितना है 125। यहाँ पर फ्लिपकार्ट ऑनलाइन शॉपिंग, ये देख सकते हैं मेरे फ्लिपकार्ट का सारा ऑनलाइन शॉपिंग का डिटेल दिया, जो कि मैंने कुछ दिन देखे यहाँ पे जो कि परचेस या फिर कुछ किया था तो उसका डिटेल दिया हुआ है, वेदर लोकेशन, ठीक है, ये टाइमलाइन वगैरह, यहाँ टाइमलाइन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। देन यहाँ पर डिसमिस वगैरह कुछ, वेदर एट लोकेशन क्या क्या चीज़ है। तो देख सकते हैं मेरे कहाँ किस लोकेशन पे जाके वो जाके मेरे को जो कि डिलीवर किया था वो सारा लोकेशन को भी रखता है गूगल अपने जगह पे, देख सकते हैं यहाँ। तो ये गूगल मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो कि, और यहाँ पर यूट्यूब, यूट्यूब का भी मेरा सारा डिटेल्स इसमें रखा हुआ है कि मैंने क्रोम से किस किस साइट पे गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पे जैसे कि गया तो यहाँ पर एक्टिविटीज कंट्रोल, एक्टिविटी कंट्रोल के अंदर कहाँ से गया वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अगेन बैक होके। जैसे कि कहीं भी आप जाएंगे इसके, तो यहाँ पर देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो का है, देन नीचे बहुत सारे जैसे यूट्यूब है, जैसे टेक फॉर इंडिया यहाँ पर मेरा दिया हुआ है, देन स्टडी वगैरह का सारा सारा जितना भी एक्टिविटी मैंने किया है सारा यूट्यूब में देख सकते हैं, जो जो सर्च किया है सारा चीज़ का हिस्ट्री है यहाँ पे जो कि स्टोर करके रखता है सारा चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पे जो पी कार्ड वगैरह जितने भी है, जितने भी बहुत सारे ऐसे जो कि गूगल जो कि अपने सामने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे चीज़ों को जो कि गूगल जो कि यहाँ पे आपके स्टोर करके रखता है, जितने भी डाटा हो गया है यूट्यूब में आप चाहे वीडियो देखें या फिर गूगल में सर्च करें सारे, या फिर व्हाट्सएप हो गया देख सकते हैं मेरे व्हाट्सएप का भी यहाँ पे सारा डिटेल ये रखा है, यहाँ से सारा डिटेल देख सकते हैं। अगर आपको ये सारा डिटेल हटाना है यहाँ से सेम डिलीट करके आप हटा सकते हैं, यहाँ का डिटेल हटाना है यूट्यूब का तो देन यूट्यूब में भी जाके आपका सारा डिटेल आप हटा सकते हैं, हिस्ट्री वगैरह क्लियर कर सकते हैं यहाँ से। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो सारा डिटेल आपका रखता है, कोई भी ऐसा डिटेल ना छो जो कि गूगल के सामने नहीं हो आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा फाइल वगैरह का भी, चलिए सारा डिटेल यहाँ पर रखा हुआ है गूगल अपने सामने। हाँ, तो यहाँ पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। देन हम यहाँ पर लोकेशन, ये मेरा लोकेशन का हिस्ट्री भी रखा हुआ देख सकते हैं, वेब हो गया ये। देन यहाँ पर देख सकते हैं मेरा लोकेशन का भी हिस्ट्री सारा रखा हुआ है, यहाँ पे डिवाइस इंफॉर्मेशन भी सारा के उनका से डिवाइस, वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटीज, क्या वॉइस सर्च किया गया क्या क्या मेरे जो मोबाइल से, वो सारे भी इस गूगल के सामने जो पे एक्टिविटीज का भी यहाँ पर आपका सेव किया गया है। यहाँ पर जैसे यूट्यूब सर्च हिस्ट्री, यहाँ पर जितने भी यूट्यूब में मेरा सर्च किया गया सारे का यहाँ पर आपका सर्च का जो कि रखा गया है हिस्ट्री। और देख सकते हैं यूट्यूब वॉचिंग हिस्ट्री, मतलब क्या क्या मैंने देखा है उसका भी इसके सामने अलग से जो कि इसका जो कि पूरा डेटा है, तो ये सारे डेटा को रखता है। तो जैसे कि मैं आपको ऊपर से एक एक वाइज दिखा देता हूँ, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ उन सारे को एक्टिविटी मैनेज एक्टिविटीज़ को ना छोड़ते हुए वेब हिस्ट्री को, तो चलिए दिखाई देते हैं पहले क्या क्या मैंने एक्टिविटीज़ यहाँ पर दिया है गूगल से क्या क्या एक्टिविटीज़ किया। तो देख सकते हैं गूगल का सारा, ये सारा एक्टिविटीज़ गूगल का है। ओके, देन दूसरा मैं आता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा आ जा रहा ताकि ये थोड़ा जल्दी जल्दी बताता। यहाँ पर देखते हैं लोकेशन हिस्ट्री पूरा बताया गया, तो लोकेशन हिस्ट्री कैसे रखता है ये अपने सामने, तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर जैसे आया तो मैंने अपने अकाउंट को साइन इन करने का बात किया, तो ये साइन इन मैंने कर दिया देखिए मेरे अपने अकाउंट को। देन साइन इन करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ईयर आ गया, मंथ आ गया, डे,
किस दिन कहाँ कहाँ का लोकेशन में आप घूमे हुए सारे चीज देख सकते हैं। यहाँ पूरा बड़ा आ गया, जैसे जूम आउट करते हैं तो पूरा देखते हैं इंडिया का मैप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देन और ज़्यादा ही करेंगे तो पूरा वर्ल्ड का मैप आपको दिखाई देगा यहाँ पे। तो पूरा दुनिया में गूगल फैला हुआ है, तो गूगल जो कि सारे जगह का डेटा को रखता है। तो मैंने कहाँ कहाँ कब कब मूवमेंट किया ये सारा चीज़ यहाँ गूगल देख सकते हैं। देखते हैं, जब मैं न्यू दिल्ली गया था तो वहाँ का भी लोकेशन वो रखा। देन जब मैं पटना गया तो पटना का भी लोकेशन उसके सामने है। देन ये कहाँ का लोकेशन है देख सकते हैं, ये लोकेशन थोड़ा ब्लर टाइप का आ रहा, आने दीजिए तो क्लियर हो जाए। तो ये शायद झारखंड का है। तो चलिए ये सारा चीज़ हो गया। देन सॉरी, ये झारखंड नहीं होगा, ये तो गया उधर से, पटना से आते समय का कुछ लोकेशन दिख रहा होगा। एंड देन यहाँ पर देख सकते हैं, देन वेस्ट बंगाल का भी लोकेशन मेरे सामने है। कोलकाता जब मैं गया था तब कोलकाता का लोकेशन पे बताया। देन यहाँ पर जैसे जब झारखंड का, ये झारखंड एंड बंगाल में मैं ज़्यादा मूवमेंट करता हूँ, तो ये सारे जगह रांची का भी मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा। देख रहे हैं रांची का भी पूरा मूवमेंट है। देन मूरी वगैरह, मूरी भी मैं गया था तो मूरी का भी मूवमेंट है। तो ये सारा चीज़ उसके साथ लोकेशन में, हर एक किस किस लोकेशन में आप घूमते हैं वो सारा का आपका रिकॉर्ड रख रहा है गूगल। भले ही आपका नज़र कोई रखे या ना रखे, पर गूगल के सामने आपको सारा चीज़ का नज़र है, वे सारे चीज़ को आपको रिकॉर्ड करके रख रहा है। कहाँ हिस्ट्री आपका, कब कहाँ गए आपके, चाहे को किसी को भी अगर जानना हो तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं आप किस डेट में कहाँ गए थे, कहाँ थे। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ से आपको पता कर लेगा कि आप कहाँ पर थे, कहाँ गए हुए थे। तो ये चीज़ रखता है गूगल आपके सामने। तो ये सारी चीज़ों को जो कि गूगल अपने सामने रखता है इस तरह से, ये देखते हैं मेरा सर घर धनबाद में, धनबाद का सारा लोकेशन रखा हुआ है। देन झारखंड का झरिया कब गया था, झरिया का भी लोकेशन रखा हुआ। इन सारे लोकेशन को जो है गूगल अपने साथ जो है पूरा एकदम कैप्चर करके रखा है। तो ये चीज़ों को आप यहाँ से डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट और लोकेशन हिस्ट्री, यहाँ से डिलीट हिस्ट्री है आपका, डिलीट कर सकते हैं सारा हिस्ट्री। और आप रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं, कोई बात नहीं इसके लिए। देन इसको हम बैक कर देते हैं। साथ ही साथ गूगल तो आपका लोकेशन हो गया, यूट्यूब का हिस्ट्री हो गया, और गूगल में आप जो सर्च करें वो सारा हिस्ट्री को तो स्टोर करके रख ही रहा। साथ ही साथ आपके वॉइस वगैरह जितना भी आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कहीं भी, तो वो वॉइस को भी आपको रिकॉर्डिंग करके रखता है गूगल अपने डाटा में। तो ये सारे चीज को जो है गूगल आपके स्टोर करके रखता है। इन चीजों को आप कहाँ देख सकते हैं, चलिए मैं दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं सारा हिस्ट्री आपका, जो कि मैंने दिखाया कि गूगल का मैप में सारा हिस्ट्री आपको रखता है। तो देन और भी चीज़ जैसे कि हो गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिटेल्स में गया। देन यहाँ पर जैसे जो है ना एक्टिविटी कंट्रोल में जैसे ही गया तो ये सारे एक्टिविटीज़ को मेरा दिखा देता है। जैसे कि यहाँ पे लोकेशन हिस्ट्री तो बताया, साथ ही यहाँ पर आप देखते हैं डिवाइस का इन्फॉर्मेशन, कौन कौन से डिवाइस में आपका जो कि Gmail ID या ना कि किस किस में एक्टिवेट है, तो ये चीज़ आपको दिखा दे रहा है कि कहाँ कहाँ पर एक्टिवेट है। फिर सेटिंग, डिवाइस इन्फॉर्मेशन यानी सेटिंग भी आप जाकर देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर है, क्या क्या सेटिंग है। तो ये सारा चीज़ हो गया, डिवाइस किस किस पे, डिवाइस पे डिवाइस का देख सकते हैं, Redmi Note 4 है, एंड्रॉयड हो गया, और ये सारा चीज़ हो गया इसमें। इसमें जो कि मेरे जो कि कब किस किस डेट में कहाँ 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 एक्टिवेट हुआ है वो सारा चीज़ यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखा है। ये तो हो गया डिवाइस रिकॉर्ड का, तो जिसमें आपको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। और एक चीज़ जिस जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है जैसे, तो वॉयस, तो आप देख सकते हैं ये वॉयस को किस तरह से रिकॉर्ड मतलब कि स्टोर करके रखता है। तो ये चीज़ आपको दिखा दें एक बार, तो ये इसका आपका जो कि वॉयस का भी जो कि देख सकते हैं, जैसे मैं एक कुछ वॉयस को प्ले कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए इस वॉयस को भी ये जो कि रिकॉर्ड करके रख लेता है। देखिए तो ये सारा चीज़ है कि गूगल या यूट्यूब में जैसे सर्च किया गया है, तो ये देखिए सर्च किया गया, तो इस सारे वॉयस को भी जैसे गूगल, ओके गूगल वगैरह बोल के हम जैसे सर्च करते हैं, तो जिस तरह का हम लोग सर्च करते हैं ना, तो वॉयस सर्च, तो उस सारे वॉयस सर्च को जो क्या ये जो कि पूरा सेव करके रखता है कि क्या। देखिए तो जो भी आप मतलब कि कस्टमर को इतना इंटरफेस करके रखा है, मतलब कि हर एक मोमेंट का हम लोग का
मतलब कि जान के रख रहा है कि क्या कस्टमर सर्च करना चाह रहा है क्या नहीं। इसे वॉइस से सर्च कर रहा है तो वॉइस को वो रख रहा है, रिकॉग्नाइज करके रख रहा है ताकि उनको हर एक चीज़ को, ताकि कस्टमर को मतलब कि एंड्रॉयड वाले को हर एक चीज़ उसी तरह का भेजा जाए। देखते हैं ना, जैसे कि हम लोग यूट्यूब ओपन करते हैं तो उसके रिलेटेड सर्च वीडियो जो कि आ जाता है, तो ये सारा चीज़ होता है, तो ये तो देख लेंगे, देख तो लेंगे, तो इसको भी आप सेम उसी प्रकार से आप डिलीट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, देन डिलीट कर सकते हैं, गया देन ओके कर दिया तो डिलीट हो गया। ओके ओके डिलीट 5 आइटम फ्रॉम जुलाई इतना, चलिए ये चीज़ हो गया, तो डिलीट 5 आइटम, ये सब डिलीट ऑप्शन हो गया। देन मैं फिर से बैक जाता हूँ, वॉइस हो गया, देन यूट्यूब हिस्ट्री जो कि आप यूट्यूब में क्या क्या सर्च कर रहे हैं। ओके तो ये सर्च हिस्ट्री को भी आपको यहाँ पर जो कि स्टोर करके रख रहा है। देन वाचिंग हिस्ट्री जी जो 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 चीज़ आप देख रहे हैं वो चीज़ को भी रख रहा है, ताकि आप पूरा देखें आधा देखें ये सारा चीज़ रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे हम लोग यूट्यूब में कोई भी वीडियो देखते हैं तो कोई भी आप शायद देखते होंगे, जो वीडियो हम लोग पूरा नहीं देखते उसमें कुछ रेड कलर का आ जाता है, वो क्यों आता है? क्योंकि वो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, उसको इंडिकेट करता कर देता है कि आप देखे नहीं ये आप देखिए, ताकि आदमी उसी वीडियो पे डायरेक्टली फिर से जा सके। तो ये इस तरह के दोस्तों, ये गूगल जो कि सारा चीज़ हम लोग का जो कि एक्टिविटी को स्टोर करके रखता है। तो दोस्तों आपको ये मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों मेरे इस तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में मिलते हैं ना, इतना ही। तो दोस्तों और अगर कुछ इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ओके बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए टेक फॉर इंडिया चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।